हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज A is equal to 2s plus 1. Velocity of the particle is 0 at 0 displacement. Find the corresponding velocity displacement equation. ध्यान दे विद्यार्थी, तो हमें दिया है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है. इसको जो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो एक्सेलरेशन के स्थान पे हम लिखेंगे dv अपॉन dt. अब यहां अगर dt से प्रोडक्ट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन विद्यार्थी नहीं होगा क्योंकि यस है और ये t है. अब क्या करें, अब इसमें जो है ds से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दें तो ds ds ऊपर नीचे कर दिए तो ये ds अपॉन dt के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, v लिख दिया. और ये dv अपॉन ds है तो ऐसे में अब हमको ds नीचे मिल गया. अगर यहाँ पे ds से प्रोडक्ट कर दें तो अब इंटीग्रेशन किया जा सकता है. तो हमने किया तो यहां आ गया v dv और यहां हो गया 2s प्लस 1 इंटू ds. अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं विद्यार्थी. तो इंटीग्रेटिंग आप बोथ साइड में देखा है v dv इंटीग्रेशन 0 से v लिमिट लगाया और 2s प्लस 1 ds 0 से s लिमिट लगाया. 0 इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट. 0 डिस्प्लेसमेंट पर जो है वेलोसिटी क्या है, 0 है. तो यस डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी v होगा. यस, तो यहां पे देखें v dv, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2. 0 से v लिमिट लगाया, 2s प्लस 1 का इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लिया और यस का इंटीग्रेशन हो जाएगा यस स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन यस हो जाएगा. 0 से यस लिमिट लगाया. जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता वो यहाँ पे देख लें. तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर ये आया. इसमें से यस विद्यार्थी हम कॉमन ले सकते हैं. यस अगर कॉमन ले लेंगे तो इस टाइप के आएगा यस इन ब्रैकेट यस प्लस 1 ये आएगा. अब इसका यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे, 2 से यहाँ चला जाएगा 2s इन ब्रैकेट यस प्लस 1 वी स्क्वायर इक्वल टू आया तो वी इक्वल टू अंडर रूट 2s इन ब्रैकेट s प्लस 1. तो ये हुआ विद्यार्थी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो कि जेईई में ऑप्शन में इस टाइप का सवाल बन सकता है. ध्यान दें. तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए तो फिर और क्वेश्चन हम देखते हैं. हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए. द पोजिशन x of a particle varies with time t as x equal to at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t equal to yes. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको दिया है और कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो वो टाइम बताइए हमको. तो यहां से देखा जाए तो x इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब. तो यहां की सहायता से डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी या v इक्वल कहें हम dx अपॉन dt. देखें यहां a बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है तो 2at हो जाएगा. माइनस b बाहर रहेगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 3bt स्क्वायर. अब चूंकि एक्सेलरेशन 0 करना है तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करना होगा. तो a इक्वल टू dv अपॉन dt लिखें या d2x अपॉन dt स्क्वायर. तो भीड़ भाड़ से परेशान ना हो, आप चाहे तो ये लाइन ये चीज ना लिखें. तो यहां देखें 2a कांस्टेंट बाहर लिए, t के सापेक्ष t का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए केवल 2a लिखा जाएगा. यहां माइनस 3b बाहर रहेगा, t स्क्वायर का 2t होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है ddx ऑफ x पावर n होता है n x पावर n माइनस 1. ध्यान दें, फार्मूला आपका ये है. इतना आया. अब कह रहा है the acceleration of the particle will be zero at time t equal to. जब acceleration जीरो है तो वहां पे आपसे टाइम पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू जीरो, तो a की जो आपका वैल्यू आया है ये 2a-6bt इज इक्वल टू हमने क्या किया, जीरो किया, तो 2a इज इक्वल टू 6bt, तो t इक्वल टू 2a/6b, इसे सरल किए तो a/3b आया। इस आधार पर ऑप्शन बी करेक्ट है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट। यहां पर एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है और आपसे t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछा है, और पार्टिकल इनिशियल में क्या है, रेस्ट पे है। यस, ध्यान दें, तो a एक्सेलरेशन के स्थान पे हम लिख सकते हैं dv/dt। यस, तो यहाँ पे टाइम है तो dt से प्रोडक्ट कर दिया, तो dv इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। यस, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी ही हमसे पूछ रहा है। इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन लगा दिया, और इनिशियल में पार्टिकल रेस्ट पे है और अगला टाइम क्या है, 3 सेकंड है, तो 0 से 3 सेकंड लिमिट लगा दिया। यस, तो 3 तो बाहर रहेगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³ बाई 3, लिमिट 0 से 3, तो ये अंदर वाला 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब t³ आया। तो t³ का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 × 9 = 27, 27 - 0 आ गया, तो 27 मीटर पर सेकेंड। उस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, find the magnitude of its average acceleration when it complete half revolution। ध्यान दें विद्यार्थी, इसका रेडियस जो है 5 मीटर दिया हुआ है, और इसका स्पीड जो दिया है हर जगह एक जैसा स्पीड है, वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेक्टर v2 - वेक्टर v1 अपॉन t2 - t1। तो हमारे पास v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन हमारे पास t1 t2 के बारे में यहां कोई जानकारी नहीं है। तो यहां से यहां तक चला है, इसे मान लेते हैं a इसे b, a से b तक इस पाथ पर चला है, हाफ चला है, तो कितना टाइम लगा ये तो पता ही कर सकते हैं। तो t1 = 0, t2 = इतना, ये पाथ का लेंथ हो जाएगा कितना, पाई r, क्योंकि टोटल सर्कमफेरेंस कितना हो जाए 2 पाई r, तो पाई आर अपान वी, तो पाई मतलब 22/7, r 5 दिया है, और जो स्पीड है, स्पीड हर जगह कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, जो t2 वाला टाइम आया विद्यार्थी वो 22/7 आया। यस, अब हमें सब चीज मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 वेक्टर - v1 वेक्टर अपान t2 - t1। v2 वेक्टर क्या है, ध्यान दें, इसे अगर एक्सिस में आप ध्यान देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप समझ लीजिए, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, v2 वेक्टर के स्थान पर लिख सकते हैं 5j कैप, ये लिख सकते हैं। ऊपर की ओर है पॉजिटिव, और ये y में नीचे की ओर है, तो यहां लिख सकते हैं -5j कैप। बस विद्यार्थी यही इतना करना था, तो अपने स्थान पर अब हम पहलू को रखते हैं। तो 5j कैप माइनस 5j कैप अपॉन t2 - t1, ये हो गया, तो 5 5 ऐड हो गया, 10j कैप अपॉन 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 70/22, इसे सरल करेंगे तो 35/11j कैप। अगर इनका ये वेक्टर फॉर्म में आया, मैग्नीट्यूड चाहते हो, ए एवरेज इज इक्वल टू 35/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में विद्यार्थी इस फिगर के लिए तो ये आया है, हो सकता है ऊपर से बनाए होते, तो इसे आप v1 कहते थे, ये v2, तो ये निगेटिव भी आ सकता है, ये अलग अलग फिगर में अलग अलग हो सकता है। यहाँ अगली बार यहाँ माइनस भी आ सकता है दूसरा कोई फिगर ले तो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है यही आएगा और मैग्नीट्यूड ही चाह रहा था वो। यस, हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। IEEE 2005 में आया था, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू दिया है ax स्क्वायर प्लस bx वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, द एक्सेलरेशन इज। इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है। यस, तो यहां देखें, यहां t में इक्वेशन दिया, हमने लिखा t इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने किया, तो टी के सापेक्ष टी का डिफरेंशिएशन, इधर टी के सापेक्ष करेंगे तो ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और x का दोबारा जब करोगे टी के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, क्योंकि ये टाइम में नहीं है। यस, b कांस्टेंट है बाहर कर लिए, और x का टी के सापेक्ष तो dx अपॉन dt हो जाएगा। तो dx अपॉन dt विद्यार्थी क्या होता है, v होता है। तो हमने हर जगह v लिख दिया। टी के सापेक्ष टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। यस, अब यहां से v कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लिया, तो v इक्वल टू आ गया 1/2ax प्लस v, इतना आया। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए विद्यार्थी इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। यस, और अगर इसे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में रहे विद्यार्थी, यस, तो ऐसे केस में ध्यान दें, अगर कहीं मिल जाए वाई इक्वल टू यू अपान वी, इसका जो फार्मूला होता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला, ऐसे में हो जाएगा वी इंटू डी यू अपान डी टी माइनस यू इंटू डी वी अपान डी टी अपान वी स्क्वायर। इसका जो फार्मूला मेन होता है वो ये होता है, ये नीचे वाला इंटू ऊपर वाला डी यू अपान डी टी माइनस ऊपर वाला इंटू डी वी अपान डी टी अपान नीचे वाले का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी के आधार पे ये चीज किया गया है। तो ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये माइनस ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो गया अपान नीचे वाले का स्क्वायर रहता है। मेन फार्मूला ये है, इसी के आधार पे ये चीज लिखा गया है। यस, और 1 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो गया माइनस, यहां देखें इसका डिफरेंशिएशन किया गया है तो 2ax के सापेक्ष t का तो dx अपॉन dt हो गया, b कांस्टेंट इसका 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आइए तो माइनस 2a dx अपॉन dt के स्थान लिख सकते हैं v, तो a इक्वल टू माइनस 2av आ गया और इंटू 1/2ax प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब इसको आंसर हमारा सब v में दिया हुआ है, x में नहीं है, तो जाहिर है कि यहां आना होगा आपको। आंसर सभी v में दिया है, तो v इक्वल टू आया 1/2ax प्लस बी, इतना आया है। अब ये चीज होल स्क्वायर है, अब होल स्क्वायर आप पूरा भी मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके स्थान पर हम लिखेंगे क्या, वी स्क्वायर, हमने लिखा वी स्क्वायर। तो अब हमारा आंसर आ गया -2AV³। तो इस आधार पर ऑप्शन ए इज करेक्ट है विद्यार्थी। तो IEEE में आया था 2005 में, तो जाहिर है कि ये मैथमेटिकल वाला जो है एग्जाम है, तो यहाँ मैथ जो है अच्छा लगेगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाई v इक्वल टू 3t² माइनस 6t मीटर पर सेकेंड, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड्स, इफ इट इज इनिशियली लोकेटेड एट द ओरिजिन O, देन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड in time interval from t equal to 0 to t equal to 4 second. Yes. ध्यान दें विद्यार्थी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो v dt अपॉन dt। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे हम रख दिए। dt अपॉन dt और टाइम इंटरवल दिया है 0 से 4 सेकेंड, वो हमने लगाया। तो यहां ध्यान दिया जाए तो 3 का बाहर 3 रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 माइनस 6 रहेगा, टी का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष टी स्क्वायर बाई 2 इतना आया। और लिमिट 0 से 4 सेकेंड है रहेगा। यहां 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, 0 से 4 लिमिट रहेगा। यस, अब यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो यहां पे देखा जाए 3 कैंसिल हुआ और 2 तिहाई 6, 3 ये कट गया। अपर लिमिट रखा जाए तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 48 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी के स्थान भर देना 0 रखना है तो 0 ही आएगा अपॉन 4 माइनस 0। यस, तो 64 माइनस 48 आ रहा है 16, 16 अपॉन 4 तो आया 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी विद्यार्थी आया 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है, उसको देखा जाए। एवरेज स्पीड के लिए विद्यार्थी ध्यान दें, ये मॉड वी डी टी अपॉन डी टी है और लिमिट वही 0 से 4 सेकेंड है तो रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, आपको ये देखना पड़ेगा स्पीड के लिए कहां से कहां तक वैल्यू पॉजिटिव है और कहां से कहां तक वैल्यू नेगेटिव है। 0 से, देखिए हम जब देख रहे हैं इसमें रख रहे हैं 0 से 2 सेकेंड के बीच जो भी वैल्यू रखते हैं इसमें नेगेटिव आता है। 0 के बाद जैसे 1 सेकेंड रख देते हैं, मान लेते हैं 1 रखने पर ये 3 आया, 3 माइनस 6 मतलब निगेटिव आ रहा है। 0 से बड़ा और 2 सेकेंड से पहले कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये निगेटिव ही आ रहा है, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में अलग करना पड़ेगा विद्यार्थी। यस, तो यहां पे करना तो 0 से 2 सेकेंड के बीच निगेटिव आ रहा है तो ये निगेटिव लगा के यही चीज रखती, यही चीज माइनस साइन लगा के हम यहां पे रख दिए। यस, तो माइनस जब लगाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा dt। अब आगे देखिए, अब 2 सेकेंड हमारा हो गया। अब 2 से 4 मतलब टोटल टाइम 4 सेकेंड ही लगेगा। 0 से 2 सेकेंड के बीच वाला केस यहां है और 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच का केस यहां है। तो 2 सेकेंड यहां हुआ, 2 सेकेंड यहां हुआ, तो टोटल टाइम 4 सेकेंड ही लग रहा है, उसमें ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अब 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच जो भी वैल्यू यहां पे रखेंगे हमेशा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव यहां हम रख लिए, यही के यही उतार दिए और 0 से 4 लिमिट लगा दिए और नीचे वाला वही रहेगा। तो 1 dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 0 से 4 लिमिट लगाया। यस, अब इसको विद्यार्थी सॉल्व करना है केवल, बस खत्म हो गया मेरा। अब देखिए -3 t² इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 तो 3 3 कैंसिल और 6 बाहर लिए तो t का इंटीग्रेशन t² बाई 2 हो जाएगा और 2 3 6 ये होता है और 0 से 2 लिमिट लगाया। चलिए यहां हुआ, आगे देखिए इसका इंटीग्रेशन लिखिए, 3 बाहर रहेगा, t² का इंटीग्रेशन t³ बाई 3 और -6 बाहर रहेगा, t का इंटीग्रेशन t² बाई 2 इतना हो गया और लिमिट 0 से 4। अब विद्यार्थी बस वही काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं, तो 2 हर जगह रखा जाए तो 2 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 12 आ गया और माइनस लोअर लिमिट 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यस, आगे बढ़ा जाए, यहां भी देखिए 2 से 4 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार 4 रखना है फिर माइनस करके 2 रखना है, एक बार 4 रखना है फिर माइनस लगा के 2 रखना है। तो 4 पहले देखते हैं, 4 चौक 16 चौके 64 माइनस देखो 4 बार 16 तिया 48 अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। अब हर जगह टी के स्थान पर 2 रखना है, 2 का क्यूब 8 है और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 12 आ गया इतना आया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 64 माइनस 48 ये 16 आ रहा है, 16 ये हो रहा है और यहां से +4 आ रहा है तो 16 4 20 और यहाँ 4 और मिल रहा है 24 आ रहा है, 24 अपॉन 4 तो 4 6 24 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आया हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में विद्यार्थी अंतर है, इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा आपको। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।